आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के श्री गीता ज्ञान संस्थानम में श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के सानिध्य में मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरु वंदन किया और उनका आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में भव्य भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। महोत्सव में नाम दीक्षा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें असंख्य भक्तों ने नाम दीक्षा ली। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने बताया कि हमारा भारत देश अनेक परंपराओं का साक्षी रहा है। इन्हीं परंपराओं में से एक है गुरु शिष्य परंपरा। प्राचीन काल से ही भारत देश महान गुरु और उनके शिष्यों की जन्मस्थली रहा है। इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा गुरु व शिष्य की परंपरा के लिए विशेष उत्सव होता है। गुरु अपने ज्ञान से शिष्य को सही मार्ग पर ले जाते हैं, इसलिए गुरुओं के सम्मान में हर वर्ष यह पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी दिखाई दी। व्यास पूर्णिमा हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की आस्था का पर्व है, कृतज्ञता का पर्व है, संकल्प का पर्व है अपनी संस्कृति, क्योंकि जिसके द्वारा कुछ पाया जाता है उसके प्रति कृतज्ञ रहना, ये हमारी भारतीय सनातन वैदिक परंपरा है। और क्योंकि कल्याण का मार्ग, सन्मार्ग, जीवन उद्धार का मार्ग गुरुदेव के माध्यम से प्राप्त होता है, और इसीलिए आज का दिन एक गुरु पूजा के रूप में लिया जाता है। अपने यहाँ कृतज्ञता उस स्तर तक भी है कि हम वर्ष में एक दिन ऐसा भी रखते हैं जहाँ केवल मशीनों की पूजा होती है, क्योंकि मशीनों से रोजी रोटी का साधन मिलता है। विश्वकर्मा दिवस पर हम उनकी भी के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। तो लौकिक रूप में भी आचार्य और शिष्य शिक्षार्थी के संबंधों का प्रगाढ़ता का पर्व है ये, और आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में भी गुरु और शिष्य के बीच में संबंधों के विश्वास का प्रगाढ़ता का दिवस है ये व्यास पूर्णिमा। और वैसे क्योंकि महर्षि व्यास हमारे भारतीय अध्यात्म ज्ञान का मूल हैं, वेद उनकी कृपा से मिले, पुराण उनके द्वारा रचित हुए, भगवद गीता भी उन्हीं के प्रयास से हमारे तक पहुँचे, तो ऐसे महर्षि वेद व्यास जिनसे भारतीय ज्ञान की परंपरा प्रारंभ हुई और गुरु के माध्यम से हमारे तक पहुँचे, व्यास पूर्णिमा का ये पर्व उनके प्रति, पूरी ऋषि परम्परा के प्रति, गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। और संकल्प का इसलिए कि इस दिन में हम कुछ अच्छे संकल्प लें, अशुभता से शुभता की ओर चलने के, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलने के, बुराइयों से अच्छाइयों की ओर चलने के, कोई जीवन में नशे इत्यादि की वृत्ति है उसे त्यागने के, तो बहुत क्रोध बहुत ईगो जीवन में समस्या बन रही है उसे त्याग करके एक सद्भावना में जीवन का संकल्प लें। गीता पर हमारा तो एक ही आह्वान रहता है संकल्प के लिए कि गीता पढ़ो, पढ़ाओ गीता, जन जन तक पहुंचाओ गीता। बहुत बहुत शुभकामना व्यास पूर्णिमा की सबके लिए, कण कण के लिए, जन जन के लिए।